चलो भाई साहब चलो। ओए तो भाई वो वक्त आ चुका है जिसका आप सबको और हमें बेसब्री से इंतजार था। हाँ चलो, हमारी बकरी दोस्तों फाइनली बच्चे देने वाली है। अब वो जगह ढूंढ रही है लेकिन उसको जगह अच्छी मिल नहीं रही, नरम जगह के लिए वो ठहरी हुई है इधर। अब मैं क्या लेकर आयु, ये कपड़ा लेकर आयु, इसको ये ना यहाँ पर हम बिछा देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी बकरी इसके ऊपर बैठती है, नहीं तो फिर हम कोई और बंदोबस्त करते हैं। वैसे घास वगैरह भी पड़ा हुआ यहाँ पर, नहीं बैठ रही ना इधर। अच्छा हाँ, तो भाई हम तकरीबन एक घंटे से ना ऊपर नीचे हो रहे हैं और इसको चेक कर रहे थे, लेकिन अब हमें कन्फर्म हो गया कि बच्चे देने ही वाली है, ये तो है ही है। चलो तो भाई ये देखें, कपड़ा बिछा दिया हमने, गर्म जगह बन गई इसकी। अब यही कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर आ जाए और यहाँ पे ही बच्चे दे, इधर उधर ना जाए। चलें जी, ये जगह देखेगी, ये नरम है तो ये बैठ जाएगी, ज़्यादा नहीं छेड़ना थोड़ा आप इसको। तो बेस्ट ऑफ लक करते हैं इसको, इंशाल्लाह हेल्दी बच्चे आएंगे। तो भाई कब तक आ जाएंगे? कभी भी आ सकते हैं, आधे घंटे में भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, एक घंटे में, हमें पूरी रात ना इसके साथ ही रहना होगा। अच्छा तो भाई अभी तो साइड पे हो जाओ, ठीक है हम इधर ही खड़े हैं, टेंशन नॉट। ये ग्लव्स पहन लो, पहन लो। अगर यार हमारी बकरी को हेल्प की जरूरत हुई ना तो हम ये ग्लव्स जो है ना पहन के ना उसकी हेल्प करेंगे बच्चा निकालने में। तो देखते हैं यार, यार मुझे डर लग रहा है बेचारी, देखो यार उसका है एक, आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, अरे 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 मुझे नजर आ रहे हैं यार। मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि सब कुछ परफेक्टली हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक डर और खुशी दोनों मिक्स है, आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं मेरे दिल में क्या चल रहा है इस टाइम। तो एक्साइटमेंट भी है और डर भी है, तनाव लगा हुआ है यार उधर, और मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि उस वो प्रोसेस में है, मतलब वो कोशिश कर रही है। तो आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब नहीं, नहीं, नहीं। जब बच्चे आने लगे तो मुझे बता। हाँ किधर है वो? एक मिनट, एक मिनट, एक बच्चा। हाँ एक आ गया। उइ ये देखें, व्हाइट कलर का, इतना प्यारा, क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल मक्खन मक्खन है यार। ठीक है ना, इसको प्रॉब्लम तो नहीं कोई? हाँ इसे फूंके मारो। हाँ ये मैंने देखा है, ऐसे करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको साइड पे करना होता है, उसके करीब लेके आओ ताकि उसको चाटे और उसको यकीन हो कि मेरा बच्चा आ गया है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार ये देखें, उसके साथ लाड प्यार कर रही है और उसको चाट रही है। और सिम्बा क्या कर रहा है? सिम्बा तुम आ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, जाओ यहाँ से। ये देखें एक बच्चा निकाल लिया है, पता नहीं दूसरा है या नहीं है, सिर्फ टेन, ये भी हो सकते हैं। हाँ अगर हमें तो नहीं पता पेट में बच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको तो देख लेना कितना क्यूट है। अभी रात है और अभी से इतना मुझे प्यारा लग रहा है ना, दिल करे इसको उठा के इसको गोद में ले लूं, लेकिन अभी मैं उठा नहीं सकता इसको। और वो देखें पीछे से वैसे बैठी है जैसे शो चल रहा हो, यहाँ पे आराम से देख रही है, जिसमें खाना नहीं खाती उसी में जाके बैठ के आराम से शो एंजॉय कर रही है यहाँ पर। अभी तो आप इंतजार में है कि कहीं दूसरा बच्चा तो नहीं है? बच्चा है, है? कंफर्म? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ क्योंकि दूसरा बच्चा भी आने वाला, तो आपने कहे तो मैं पीछे से पहले की तरह देखूंगा। और ब्लैकी मुबारक हो, आपका एक दोस्त आ गया आपके जैसा छोटा सा। भाई बताते रहना कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ देखिए दूसरा बच्चा भी है, मतलब आ रहे हैं ना, मैं आता हूँ देखता हूँ दूर से। ये देखिए दूसरा बच्चा भी आ रहा है। ओहो हो, आ गया आ गया आ गया आ गया, यस माशाल्लाह दूसरा बच्चा भी आ गया। अबे हट जा यार सिम्बा, दूसरा बच्चा भी वाइट है, क्या बात है क्या बात है। ओहो हो, दो बच्चे आ गए। अच्छा मुझे डर था कि कहीं एक ना हो, लेकिन दूसरा बच्चा भी आ गया, ठीक है ना? हाँ ये वाला ठीक है। ओहो हो, दूसरा बच्चा भी अभी आया। अरे यार क्या बात है क्या बात है, मैं बता नहीं सकता मैं इस टाइम कितना खुश हूँ यार। तो आप तो लगा हुआ है बिजी है, इनके मुंह में हवा मारनी होती है ताकि जो कुछ होता है ना ऐसे चिपचिपा वो उनके नाक में ना लग जाए, मुंह में ना लग जाए, तो वो साफ करना होता है। इसको भी उठा के ना इसके पास रख दो, ये इसको भी चाटेगी। देखो एक को चाट लिए, देखिए कितना प्यारा हो गया। अब ये भी इस पे जो चिपका हुआ है ना ये भी साफ हो जाएगा। आ जा भैया लो दूसरा बच्चा। क्या बात है,
अरे सो क्यूट यार, माशाल्लाह क्या कुदरत है यार, क्या कुदरत है। नो वर्ड्स यार, मेरे फर्स्ट टाइम मैं ये चीज देख रहा हूँ तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। काफी टेंशन भी हो रही है यार सितैन। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया, मेन चीज तो होगी, अब किस चीज की टेंशन? अब दूसरा तो आ गया, तीसरा होगा, हो सकता है क्या? क्या लगता है तुम्हें भाई? मुझे तो एक पे इतना खुशी हो जाती है ना, काफी था मेरे लिए। तब दो आ गए हैं तो मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा कुछ भी, अगर आ गया तो ठीक। लालच की क्या बात है, दुआ करो आए यार। हाँ यार, अल्लाह से दुआ है कि तीन आ जाए, चार आ जाए, दस आ जाए, बस इसमें क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अब हम अपने बकरी के पास हैं। देखो आगे चाचू, वे देखो आगे तुम्हारी बकरी के बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं माशाल्लाह दोस्तों, अपना अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। और रात के टाइम तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन थी, सुकून से नहीं देख पा रहे थे और अंधेरा था। तो क्या हुआ इसकी टांगों को? खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो दूध पियो, तुम भी दूध पियो माँ का। इसकी टांगे ये ठीक है, बिल्कुल खड़ा हुआ है अच्छे से, ये थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहे थे और मेरे ख्याल में ये कुछ टाइम बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सितैन ऐसे होता है, इतने है, बच्चा है, बच्ची है, क्या है ये मैंने नहीं देखा था यार। पहले मैं इसको देखता हूँ, ये बकरा है दोस्तों, अब इसको हम चेक करते हैं दोस्तों। ये भी बकरा है, ओए दोनों बकरे। ऐसे होता है यार, एक तो होना चाहिए। कैसे दिए थे बकरी ने वैसे? आप सो रहे थे तब। तो अब दोस्तों हम क्या करने हैं कि इनको थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं, अभी ये यार सुसु कर रहा है तो इसको करने देते हैं। ओए इधर तो देख लो, इधर देख लो, सारी रात ना इन्होंने दूध पिया। देखो जब हम छोड़ के गए थे तभी पी रहे थे और ये भी पी रहे हैं। चलो पीने दो यार, दूध इनके लिए तो है। चलो भाई इनको हम बाहर लेके जाते हैं, इसकी माँ को भी बाहर लेके चलते हैं दोस्तों और इनको थोड़ी सी धूप लगवा लेते हैं। सितैन इसको तुम उठाओ, चलो माँ को भी बाहर लेकर आओ। चुप। चलो भाई उसको तुम लेके आओ। चलो भाई यहाँ पर धूप लगवाओ थोड़ी सी तुम। ऐसे जी, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें दोस्तों, चंद घंटों में चलना भी स्टार्ट हो गए हैं और दूसरा तो काफी तेज लग रहा है मुझे। इसकी टांगे दोस्तों काफी बेहतर हैं, इससे ये लड़खड़ा के थोड़ा सा चल रहा है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। तो आखिरकार दोस्तों हमारी बकरी ने बच्चे दे ही दिए। हम हर रोज कहते थे आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, दो महीनों से ऊपर टाइम हुआ तो है लेकिन फाइनली दोस्तों बच्चे आ चुके हैं। जब ये बच्चे दे रही थी ना, मैं दुआ कर रहा था कि यार दो से भी ज्यादा हूँ लेकिन दो ही आए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको माँ को अभी चले चले। हाँ दो आ गए चाचू, इसको अपनी माँ का दूध पिला लेते हैं, वो तो पी रहा है, ये भी पिएगा। क्यों भाग रही हो? चलो बच्चों को दूध पिलाओ। चलो भाई ये देखें माशाल्लाह, अपने बच्चों को खा लिया, खा नहीं रही, दूध पिला रही है। ये बड़े होके भैंस बन गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये खिलाने हमने अपनी बकरी को, तो वो मैं लेके आया हूँ। ये दोस्तों काले चने का छिलका और साथ में दलिया मिक्स है, तो ये थोड़ा सा हम अपनी बकरी को खिला देंगे ना, जो बकरी वो आ भी गई है ना, तो उसको ये खिलाना बहुत जरूरी होता है। चलो थोड़ा सा ये एक मिनट वेट करो। अबे ये तो बहुत फुर्तीली है यार, कल तक इसकी क्या कंडीशन थी, अभी देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। और थोड़ा सा गुड़ा, एक मिनट रुक जाओ, इसको तोड़ दो ना, ऐसे कैंची से काट रहे हो, ये देखो हट जा, खिला दो ये पूरा फंस ना जाए। खा गए, वाह 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 वाह, तोड़ के खा गई भाई, ये तो स्वीट डिश बन गई है भाई बच्चों की खुशी में। चलो भाई दो, हाँ इसको नीचे रख दो, नीचे आ जा, नीचे आ जा। उसके बच्चे वहाँ पे हैं खेल रहे हैं और ये इधर खाने आई हुई है। ये देखिए आपस में खेल रहे हैं। और तुराप इनका नाम तो सोचा ही नहीं भाई, इसका नाम मेरे जहन में, दोनों का मिलता जुलता नाम होना चाहिए और हमारे जहन में नहीं आ रहा अभी। कमेंट्स आपने कमेंट्स में बताना है यार, ताकि किसी को एतराज ना हो, जिसका हमें अच्छा लगेगा ना हम वही पिक करके ना वही नाम रख लेंगे।
हाँ, इतनी देर में हम भी सोच लेंगे कि क्या नाम रखना। ये खाती रहेगी और चूजे भी आ गए खाने के लिए, शेयर कर रही है उनके साथ भी, उनको तंग नहीं कर रही, और इसका बच्चा इधर आया दूध पीने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार देखने में। अब दोस्तों इनका इंतजार है, ये जल्दी से बच्चे दे दें। मुझे काफ़ी भाई कहते हैं कि भाई आप चेक करें कि इसके अंदर बच्चे हैं या नहीं है। मैं चेक नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ना आपको मैं कल भी बता रहा था, यहाँ पर है पिलर। जब मैं दोस्तों हाथ मारता हूँ ना, ये सामने ना ये पिलर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर रास्ता बंद हो जाता है, और इनकी जो सुरंग है ना ऐसे मुड़ रही है फिर सीधा जा रही है। तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि हम इस सुरंग के अंदर हाथ मार पाएं, क्योंकि काफ़ी लंबी है, गहरी है और मुड़ भी रही है। और इधर दोस्तों हमारी बकरी ने ना तकरीबन सारी खुराक ख़त्म कर ली है, और अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि इस बकरी को वापस अपने घर में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर बिठा रहे हैं दोस्तों हम इनको, क्योंकि क्या है कि नीचे फिर दूसरी बकरियाँ भी हैं, तो ये उनके पैरों के नीचे भी आ सकते हैं। तो अभी देखें प्यार कर रही है माशाल्लाह। चलो भाई बाय बाय, हम बाद में आएंगे तुम्हारे पास। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा यार, बकरी की खातिर लाइक लाजमी कर देना है, जो बच्चे हैं ना, तो प्लीज प्लीज। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को। अल्लाह हाफिज़।